हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजय मालाकिया। इंडियन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड कटलेट्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर तीन ब्रेड ली है। हमें कुछ इस तरीके से इसे कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो जो सैंडविच वाली जो ब्रेड है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने चार आलू लिए हैं छोटे साइज़ के। और अब हमें ज़ीरो साइज़ में प्याज को छील लेना है और इसके अंदर अब हम इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली थी एक, इसका कटिंग, और अदरक और प्याज इसमें हम मिक्स कर देंगे। और हरा धनिया इसमें डालेंगे। हरा धनिया थोड़ा हमें इसमें ज़्यादा डालना है। और लविंग के दाने हैं पांच, वो भी हमें पीस कर इसमें डाल देने हैं। और दोस्तों, अब इसमें हम एक चम्मच हल्दी डालेंगे छोटी साइज का, और आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। आलू को बॉईल करने के टाइम पे हमने नमक डाल दिया था, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे एक चम्मच, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। तो इसमें हम आधा नींबू डाल देंगे, नींबू का रस। अब हमें मैदे के आटे को इसमें अंदर पानी मिलाना है और इसे हमें हल्का सा पतला बना देना है, देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि इसमें हम कटलेट्स को अच्छे से डुबो सके। तो देखिए, मैंने कटलेट्स कुछ इस तरीके की पोज में बनाए हैं साइज़ में, और आप चाहे तो इसे गोल बना सकते हैं और किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो अब हम एक तेल में, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब तक तेल गरम हो जाता है तब तक हम सारी कटलेट्स को मैदे में डुबो के, और यहाँ पर हमने टोस्ट लिया है, टोस्ट के अंदर इसे हम पूरा चूरा के साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से डुबो लेंगे, ये थोड़े क्रंची बन जाएंगे इससे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब इसे हमें तेल में फ्राई कर लेना है। हल्का सा हमें इसे ब्राउन होने तक इसे अच्छे से तेल में फ्राई करना है, क्या कि अंदर। तो दोस्तों, ये कटलेट्स बनाने का आसान तरीका और जल्दी बन जाती है और बिल्कुल टेस्टी बनती है। और देख सकते हैं आप, एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज की हमारी कटलेट्स तैयार है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा।